नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। डे 44 थर्सडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, जिसको देखने के बाद थोड़ा सा दिल यहाँ पे टूटा है, लेकिन दिल के अंदर खुशी भी है। क्योंकि भैया देखो, डे 44 तक कोई भी बॉलीवुड की मूवी नहीं आती है, लेकिन पठान एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग अभी तक एक्साइटेड भी है। और मैं समझता हूँ कि भैया फ्रेंड्स ने तीन तीन चार चार बार यहाँ पे भैया थिएटर्स के अंदर जाके इस मूवी को देखा भी है, और शायद यही रीजन है कि पठान अभी तक कमा रही है। और यहाँ पे जितनी हमने प्रेडिक्शन की थी, उस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 लाख रुपए ज्यादा कमाने में डे 44 के ऊपर इस मूवी ने एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है। अगर हम बात करें डे 44 की यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदी से इस मूवी ने 50 लाख रुपए की यहाँ पे भैया बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को यहाँ पे कवर किया है, और यहाँ पे तमिल और तेलुगु से इस मूवी ने 2 लाख रुपए कमा के टोटल 52 लाख रुपीज की कमाई की है डे 44 थर्सडे वाले दिन। अगर हम बात करें हिंदी की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने 520 करोड़ रुपए कमाए हैं, और यहाँ पे तमिल और तेलुगु से 18 करोड़ रुपए कमाने में ये मूवी कामयाब हो चुकी है। अगर हम बात करें ग्रोस की इंडिया की, तो यहाँ पे 538 करोड़ रुपए इस मूवी ने ठोक दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इस मूवी को मैं सल्यूट पेश करता हूं, मैं एसआरके को सल्यूट पेश करता हूं कि भैया इतनी ज़्यादा कमाई करके इंडिया का नाम तो रोशन किया है, लेकिन यहां पे भैया बॉलीवुड को भी जिंदा किया है। बाकी आप क्या क्या ओपिनियन है, ये मूवी भैया कितना कमा सकती है? अभी तक ग्रोस वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने भैया 1041 करोड़ रुपए यहाँ पे कमा के बहुत बड़ा माइलस्टोन खड़ा कर दिया है, और यहाँ पे इस मूवी की जो कमाई है अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाकी आप क्या क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और पठान को लेके आपने कितनी बार मूवीज को देखा है भैया कमेंट में लिखना लाजमी लिखिएगा। और यहाँ पे अगर आपने सपोर्ट नहीं किया राहुल भाई को, छोटी सी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहे, और इसी तरीके से पठान और आने वाली अपकमिंग मूवीज के ऊपर बातचीत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोने के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। हमें हरे कृष्ण।